अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, चैनल पर एक दफ़ा फिर से शामिल थे फ्रेंड्स। पंजाब की सूबाई असम्बली में ज़बरदस्त जॉब्स की अनाउंसमेंट कर दी है, जिनमें पूरे पाकिस्तान से मेल और फीमेल दोनों हज़रात अप्लाई कर सकते हैं। कौन कौन से जॉब्स हैं और कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई करने का मुकम्मल तरीका कार क्या है, सब कुछ मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। तो उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो कहीं सब्सक्राइब पर क्लिक करके साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरे हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। प्रोविंशियल असम्बली ऑफ द पंजाब में ज़बरदस्त जॉब्स की अनाउंसमेंट की गई है। इनमें अगर जॉब्स की बात की जाए तो सबसे पहले जो है वो असिस्टेंट सेक्रेटरी की जॉब है, इसका बीपीएस 17 है और बीपीएस के हिसाब से वो सैलरी मिलती है। गवर्नमेंट की कोई भी जॉब है उसमें बीपीएस के हिसाब से आपकी सैलरी होगी। जितना ज़्यादा बीपीएस होगा आपका हाई, उतनी आपकी सैलरी होगी। तो काफ़ी ज़्यादा हाई पेइंग इसका बीपीएस है, 17 इसका बीपीएस है। उसके बाद रिसर्च ऑफिसर की जॉब है, लॉ एंड अफेयर्स की जॉब, इसका बीपीएस सेम है। रिसर्च ऑफिसर लीगल ड्राफ्ट की जॉब है, बीपीएस सेम है। असिस्टेंट प्रोटोकॉल ऑफिसर की जॉब है, बीपीएस इसका 16 है और असिस्टेंट की जॉब है इसका बीपीएस 16 है। आगे जो है वो ट्रांसलेटर की जॉब है, बीपीएस इसका 11 है और जूनियर सिक्योरिटी असिस्टेंट की जॉब है, बीपीएस इसका 9 है। टेलीफोन टेक्नीशियन की जॉब है, बीपीएस 9 है। ऑपरेटर साउंड की जॉब है, बीपीएस 8 है। प्रूफ रीडर की जॉब है, बीपीएस 7 है। इमाम मस्जिद इमाम की जॉब है, इसका बीपीएस 7 रखा गया है। तो ये जॉब्स हैं जिनकी अनाउंसमेंट कर दी गई थी। काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त जॉब्स हैं ये, और क्योंकि इनकी जो इनका बीपीएस है, बेसिक पे स्केल है, वो भी काफ़ी अच्छा रखा गया है। तो अब बात आती है कि आपने इन जॉब्स में अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई करने के लिए सबसे पहले जो है इन जॉब्स के लिए आपका ऑनलाइन अप्लाई होगा। तो आपने क्या करना है, ये जो आपको वेबसाइट शो हो रही है www.cts.org.pk, इस वेबसाइट से आपको इनका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो मिलेगा। तो अगर आप इसके ऊपर डायरेक्ट जाएंगे तो शायद आपको ना मिले, तो वो भी मैं आपको बताता हूँ कि आपने डायरेक्ट इसका एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ से लेना है। तो उससे पहले आप थोड़ा सा जो इसका अप्लाई का प्रोसीजर है वो थोड़ा समझ लें। तो वो जब आप उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेंगे तो आपने क्या करना है, उसको अच्छे से फिलअप करना है, अपने तमाम अपनी जो इन्फॉर्मेशन है उसको फिल कर लेना है। फिल करने के बाद जो है आपने उसी एप्लीकेशन के साथ आपको एक चालान फॉर्म मिलेगा, उसको आपने बैंक में अदा करना है। बैंक में उसकी पे वगैरह आपने जो है वो देनी है। उसके बाद देने के बाद जो है आपने क्या करना है, वो बैंक वाले आपको एक रसीद देंगे कि आपने फ़ी पे कर दी है। उस रसीद को आपने उसी एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच कर लेना है जिसको आपने फ़िलअप किया होगा, जो आपने डाउनलोड की होगी उसको आपने डाउनलोड अटैच करने के बाद जो है आपने इस एड्रेस पर बाइजरिया डाक या बाइजरिया TCS आपने सेंड कर देनी है। कैंडिडेट्स टेस्टिंग सर्विस, ऑफिस नंबर 6, सेकंड फ्लोर, यूनाइटेड प्लाजा 90E, ब्लू एरिया, इस्लामाबाद। इस एड्रेस पर आपने बाइजरिया डाक या बाइजरिया TCS आपने सेंड कर देनी है। आगे इनका जो फ़ोन नंबर है वो भी दिया गया है, 0512120100272। और उसके बाद जो है आगे इन्होंने अपनी वेबसाइट भी दी है। तो इस एड्रेस पर आपने बाइजरिया डाक या बाइजरिया TCS आपने अपनी एप्लीकेशन सेंड करनी है। अब बात आती है कि आपने उस एप्लीकेशन को कहाँ से डाउनलोड करना है, तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। आपने क्या करना है कि ये जो आप वीडियो देख रहे हैं इसको आपने सबसे पहले लाइक करना है। अगर आपने लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दें। उसके बाद आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब पर क्लिक करके साथ में लगे बेल आइकन को भी आपने प्रेस करना है, ऑल पर आपने सेट करके ऑल पर सेट कर देना है। सेट करने के बाद जो है आपने इसी वीडियो का जो आपको ये मिल रहा है टाइटल मिल रहा है, इस पर आपने क्लिक करना है। तो नीचे आपको एक वेबसाइट का लिंक मिलेगा, तो उसको आपने ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर पहुँच जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म्स यहाँ पर दिए गए हैं। तो जिस पोस्ट के लिए, जिस जॉब के लिए आपने अप्लाई करना है वो आपने यहाँ से ढूंढ लेनी है। ढूंढने के बाद आपने आगे यहाँ पर आपको शो हो रहा है क्लिक हेयर वाला ऑप्शन, आपको यहाँ पर शो हो रहा है तो इस पर आपने क्लिक कर लेना है। क्लिक करेंगे तो आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म होगी वो ऑटोमेटिकली जो है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरह जो है आप एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह मजीद गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट हासिल करने के लिए अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली सब्सक्राइब पर क्लिक करके साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरे हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।